से आए अभी तो हम जब 30-35 साल से हैं, वहाँ पे तो गए थे शादी होके और 4-5 साल ही रहे, काम ही धंधा पाई नहीं तो हमने कैसे। धंधा पानी नहीं था अभी, धंधा पीछे मेहनत मजबूरी, खेती पाती हो तो अच्छा लगे भाई, खेती पाती भी नहीं है तो अपन उसके भरोसे में, इसकी वजह से जहाँ अपन आ पहले तो सब मेहनत मजूरी करी, पहले जो मिट्टी का काम भी नहीं आता, मुझे भी बाद में सीखी, हमने भी मिट्टी का काम को मजदूरी करी और हमने भी मशीन सी कपड़े सीने मशीन चलाई। हाँ मेरी मम्मी ने सिखाया हमारे, हमारे रिश्तेदार हमारे मामी ससुर के, मामा ससुर के लड़के थे हमारे देवर, यही हॉस्टल में काम करते, उन्होंने बताया वो मामा ससुर रहेंगे पंचशील में, तो वो बोलने लगे इधर भट्टों पे ईंटें बनाते थे, तो हमारे यहाँ भैंस लेने आए थे शुरू में, तो पंचशील में रुक गए, तो मामा बोले इनके मामा हमारे मम्मिया ससुर बोले बेटा जीजा तो बहुत कहते थे ये भोपाल में एक आध झुग्गी होती, बेटा तेरा को लेना हुआ तो मेरी झुग्गी है, उनमें झुग्गी बनाई खुद अपने। मेरी लागत लगी ना झुग्गी की, आंजे से क्या लूंगा, मेरे मूर्ति बन पकाने की तो ज्यादा ही दिक्कत आ रही है, मिट्टी भी खरीदो वो भी कितनी महंगी है भाई, पहले 200, 300, 500, 1000, 2000 की मटका में अपने 5 रुपये मिल गए, मटके खरीद रहा था। बड़ी है मगर अब रेट तो मिली नहीं थी अपन को, सही बोला
जान चीजें समझ गए थे। अब अपने जो देख सबकी तेज हो गई, रंग तेज हो गया। तेज पे में यही आ रही है, यार मुलिया में इस चीज चला जब से तो अपनी बुद्धि भी खो गई थी। इसकी मूर्ति बंद हो रही ना, आप ही वो भी सीधी गई थी। मैं माई की तरफ बता रहे थे, माई मम्मी चाची माची बात बात पूरी भगवान के लिए जा रहा नहीं कर। बैतूल से लाती मिट्टी चला ट्रैक्टर से राजस्व खरीदने में तो बोली 5-6 हजार की आने लग गई। अब दिवाली के काम में अपन लेते हैं ना, इसमें मूर्तियों में तो 1500 की 2000 की आती थी, 5-6 हजार की आ रही थी राजस्व।